अगर मेरा बस चले तो एक एक हिंदुस्तानी को गोली से उड़ा दो। किन हिंदुस्तानियों को गोली से उड़ाएंगे आप लोग? हम हिंदुस्तानियों की वजह से आप लोगों का वजूद है। पार्टीशन के बाद शुरू होगा आतंक, क्या होगा ज्यादा खतरनाक। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोस में। ये बात तो हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे के बाद से हमने न जाने कितनी ही मुश्किलों का सामना किया है। हमने गदर फिल्म में बंटवारे के बाद इस दौर को देखा और फैंस ने इस फिल्म को बहुत पसंद किया, क्योंकि बंटवारे के इस दुख को इस फिल्म ने काफी बेहतरीन तरीके से दिखाया। अब देखने वाली बात यह है कि गदर के सीक्वल में हमें एक बार फिर से देखने वाला है भारत और पाकिस्तान के देशवासियों का ये दुख। लेकिन ये दुख होने वाला है आज के समय के हिसाब से, जहां आज भी हम आतंक का सामना कर रहे हैं। एक समय ऐसा था जब भारत और पाकिस्तान के रहने वाले लोगों ने देखा था एक ऐसा युद्ध जिसने सबको अंदर तक डरा दिया था। दरअसल गदर 2 में जीते अपने परिवार के साथ कश्मीर की वादियों में रहने के लिए चले जाता है, जहां वो कुछ सालों तक वहां पर अपना एक बिजनेस करता है और उसके बाद वहीं पर सेटल होने की तैयारी करता है। वहीं सकीना और तारा सिंह अपने घर पंजाब की ओर लौट जाते हैं। जब वो पंजाब लौट जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कश्मीर कर रहा है एक ऐसे युद्ध का सामना जिसकी वजह से उन दोनों के दिल में अपने बेटे के लिए बहुत ज्यादा डर पैदा हो जाता है। जीते अब एक ऐसे शहर में अनजान है जहां वो किसी को नहीं जानता और वो सिर्फ अपने बिजनेस के लिए यहां फंसा हुआ है। लेकिन इसी दौरान उसको मिलती है एक पाकिस्तानी लड़की जो इसी आतंक का शिकार हो जाती है और बॉर्डर क्रॉस करके भारत में फंस जाती है। ये दोनों अनजान लोग एक दूसरे के काम आते हैं और जीते और ये लड़की एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। लेकिन जहां पहली फिल्म में प्यार को बांटा था बंटवारे ने, इस बार प्यार को सामना करना पड़ेगा आतंक का। तो देखने वाली बात ये होगी कि आतंक ज्यादा खतरनाक होगा या फिर बंटवारा। क्या गदर 2 हमें वही एंटरटेनमेंट देगा जैसा हमें गदर फिल्म ने दिया था? ये देखने के लिए हमें करना पड़ेगा इस फिल्म के रिलीज का इंतजार। लेकिन तब तक फिल्मों के इंतजार से आगे बढ़िए, और अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।